एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। दिस इज़ माय न्यू ब्लॉग। उम्मीद करती हूँ आप लोग एकदम खुश हो गए होंगे मुझे यहाँ देख के। धूल मिट्टी पूरे घर में इतनी चढ़ी हुई है कि अभी भी सफाइयाँ चल रही हैं। ठीक है, अभी चार साढ़े चार हो रहे हैं, मेरे को अपनी छत देखनी है। ओ माय गॉड, क्या क्या हाल हुए पड़े हैं। ओए होए, इसमें कितना गर्दा। मेरा चक्कू का रंग, ओए चक्कू का रंग यार, क्यों नहीं बंद रखे गई। झंडा भी उतर गया, इसको मैं ले आई हूँ, पर मेरे को लग रहा है बहुत गड़बड़। ये हम लाए हैं अभी अभी ट्राइपॉड। गंदगी कितनी है यार छत पे। ये ईंटें कैसे हटी हैं? ईंटें तो नहीं मैंने हटाई लास्ट टाइम पे, मैं देख के गई थी। मैं ये बना के चल गई थी क्योंकि ना वीडियो रिकॉर्ड करी तो टब खाली करने लगी बहुत ज़्यादा, फिर गिला था, तो मैंने सोचा कि थोड़ी बहुत ऐसी शेप बना जाती हूँ जो व्लॉग के लिए क्रम्बल हो पाए। सो ये व्लॉग के लिए ही है। ठीक है, करते हैं। मैं तो आती क्रम्बलिंग पे टूट गई हूँ और इतनी सारी बातें करनी थी मेरे को। सबसे पहले तो हैप्पी बर्थडे टू संजना। ठीक है, आज उनका बर्थडे है और ये व्लॉग उन्हीं को डेडिकेट होगा। सो सारा सामान निकलवा दिया, मम्मा झाड़ू लगा रहे हैं। सो स्टार्ट करते हैं। क्या मैं टेक्सचर्स, मुझे इतने कम कम लग रहे हैं ना, मैं क्या बताऊँ। हाँ, कहाँ थी, मेरे को क्या बोलना था। हाँ, हैप्पी बर्थडे टू संजना, मे द गॉड ब्लेस यू विद मैनी मोर सक्सेस एंड हैप्पीनेस। बहुत प्यारी सब्सक्राइबर है मेरी, और मेरे को था कि मैं इनके बर्थडे तक तो आ ही जाऊँ। और मोमिना का भी कल बर्थडे था, पर कल भी मैंने बहुत कोशिश करी कि कल आ जाएं, पर नहीं हो पाया। इतना अभी बस ट्रैवल करके आए हैं हम, इतना ज़्यादा थोड़ा सा रेस्ट किया है, खाया पिया है तो कुछ है नहीं। एक्साइटमेंट में भाई घर आ रहे हैं, कुछ खाया नहीं है, वहीं से जो खा के आए थे बस वही। अच्छा, अब आपने क्या करना है, मैं तो अब आपको इतने प्यारे प्यारे कमेंट्स। पूजा एक हैं, साशी सिंह हैं, इतने प्यारे कमेंट्स। ओए होए, अभी मैं जस्ट इन्हीं के कमेंट पढ़ के आई हूँ, बाकी शीखा हैं और मोमिना तो हैं ही हैं। ठीक है, अभी और भी है बहुत प्यारे कमेंट्स पढ़ने हैं जिनके। हेट भी मुझे इन दिनों पता नहीं क्यों इतना मिला है कि भाई बस क्या बताएं। ठीक है, जितना मेरे से पॉसिबल हुआ थोड़ा कुछ कुछ मैंने आपको दिखाया। पता नहीं मैंने क्या क्या दिखाया, वो मैं बाद में देख रही थी तो मेरे भाई कहते तुमने किचन क्यों दिखाई है, किचन में क्या था दिखाने लायक। मैंने सोचा मैं दिखा दूँ, अब थोड़ा वैसी चीज़ें दिखाई है ना जो गांव में होती है, तो बस वो ही दिखाया मैंने, कुछ ज़्यादा एक्स्ट्रा नहीं दिखाया। ठीक है, और भाई बहुत गर्मी है अभी, मेरी मम्मी कहती है अभी मत जाए इतनी जल्दी, पर मेरे को ये था कि मैं चली जाऊँ, बस रेस्ट भी नहीं किया अभी मैंने, थोड़ा बहुत ऐसे बैठ गए थे। चार साढ़े चार बजे अभी तो धूप, और आपको पता है इतने यहाँ दो दिन से ना बिल्कुल बारिशों वाला मौसम हो रहा है। मेरे को पता क्या था कि मैं पहले जाते ही इतने दिनों का जो हाल चाल था वो पूछूंगी आप लोगों से, कैसे हैं आप लोग, ठीक है बताना मुझे आपकी छुट्टियाँ कैसी चल रही हैं। मैं बहुत बढ़िया हूँ, और मैंने इसलिए बोल दिया क्योंकि बहुत लोग पूछते हैं ना आप कैसे हो। बस थकी हुई हूँ थोड़ी, पर वो थकान ना मेरे को अपने वर्क प्लेस के आगे कुछ नहीं लग रही। लगता है आज फिर इनके यहाँ कोई गेस्ट आया हो, बहुत जोर जोर से आवाज़ें आ रही हैं। अब ग्रैंड पेरेंट्स होते हैं बीमार, फिर उनको देखने तो आते ही हैं ना, तो वैसा सिस्टम है। ठीक है, अब आएंगे धड़ाधड़ क्रम्बलिंग ब्लॉग, और मेरी आपसे एक वो है रिक्वेस्ट कि भाई क्या कहते हैं, मेरे दो दूसरा चैनल है उस पर भी उसको फॉलो कर लो, क्योंकि अब मैं उस पर व्लॉग डालूँगी, मैं अंशुदेव कुमार पर नहीं डालूँगी, क्योंकि मेरे बहुत ज़्यादा कमेंट्स आ रहे हैं कि एक मिनट में ना हमने देख लो। मैंने सोचा था ट्राईपोड लगा के क्रम्बलिंग करूँगी, ट्राईपोड आ गया पहला सरप्राइज, तो ये एक गुड न्यूज़ दे देती हूँ एक बैड न्यूज़ दे देती हूँ। चलो ठीक है, गुड न्यूज़ ये है कि मैंने दूसरा ट्राईपोड मंगा लिया, वो
आपने पुराने ब्लॉग में देखा होगा ना कितना तंग किया उस ट्राइपॉड ने मुझे पुराने वाले ने। और उससे ना लोग कहते थे कि ना आप ना दोनों हाथ से ब्लॉग में ग्रम्बलिंग किया करो, पर मेरा ट्राइपॉड वो ऐसा था कि बस वो ना एक जगह बैठ के तुम अगर जो वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हो तो वो कर लेता था वीडियो रिकॉर्ड, ठीक है। बाकी अगर जैसे ब्लॉग में तो हिलना डुलना पड़ता है, इधर से उधर, उधर से इधर जाना पड़ता है, तो उसके लिए नहीं था वो। तो मैंने ऑर्डर कर लिया, मैंने सोचा घर जाने से पहले मेरे ट्राइपॉड मेरे घर पहुँचेगा, ताकि मैं जाती ही ना ट्राइपॉड वाली वीडियो बनाऊँ। अब इसकी अनबॉक्सिंग करेंगे ब्लॉग में, पहले क्रम्बलिंग में अपना हाथ कर लूँ मैं। ऐसे ना मैं वहाँ गमले खुदती रहती थी, टेक्सचर ऐसे क्रम्बलिंग करती रहती थी, सो इतना कुछ मुझे ऐसा नहीं है कि मैंने मिट्टी में हाथ नहीं डाले, या मैं अपने हाथ दिखाऊँ, मेरे हाथ देखो कितने सही हो चुके हैं। हाथों का क्या है, जैसे परमात्मा ने भेद बना के भेजे होते हैं ना वैसे हो जाते हैं, बस दो तीन दिन ये कुछ काम छोड़ दो तो अपना। बाकी मैं ये स्लैब्स जो है ये ट्राइपॉड लगा के शाम में क्रम्बलिंग करूँगी। अभी धड़ाधड़ ब्लॉग्स आएंगे ना एक के बाद एक, सभी टेक्सचर में हाथ मारना है मैंने, कितना सॉफ्ट है। मैं सोची थी ब्लॉग के लिए उसके लिए वीडियो के लिए रख लूँ, मैं कहा वीडियो जाए भाड़ में, मेरे को चक्कू का दुख आ रहा है। मैं पता नहीं चक्कू के क्यों छोड़ के गई हूँ, पता है मेरे पीछे बारिश आई है कि नहीं मुझे याद नहीं, आई होगी क्योंकि इतनी बुरी हालत तो नहीं थी। देखो इसकी वीडियो शूट करके आई है, देखो आई है बारिश तो आई है, देखो कितना डस्टी हुआ पड़ा है टेक्सचर। थोड़ी दूर मैं उड़ा दूँ, अभी डॉट्स के पास चलते हैं, एक डॉट दिखा देती हूँ अभी वहाँ पे जो हम इतनी सारी डॉट्स बना के गए थे ना, वो नेक्स्ट व्लॉग में देखेंगे, क्योंकि ना वहाँ धूप बड़ी है और ना मैं चाह रही हूँ कि धूप में ना जाऊँ, फिर काम करने इतना सारा चक्कर चक्कर रहेंगे। ये है हमारी रेड डॉट, रेड मर्ड कह लो, डॉट कह लो, मर्ड कहेंगे, रेड डॉट तो वो वाली है सैंड वाली, अंदर ही रख के गई थी और इतनी परफेक्ट ड्राई हो गई है, देखने में तो गिल्ली लग रही थी, पता नहीं टेढ़ी कैसे हो गई। अच्छा हाँ मैं टब टेढ़ा रख के गई थी, मेरे टब अब भी निकल चुके हैं बाहर, भाई इतनी धूल चढ़ी गई है ना घर में। मेरे भाई और कह रहे हैं अंशु पूरे घर की जो मिट्टी निकली है ना, मतलब वो धूल वाली है वो निकली है ना, उसको इकट्ठा कर ले तेरा एक नया टेक्सचर बन जाएगा, मजाक में मतलब ऐसे कहते मुझे। भाई हर एक कमरे में से 1-1 किलो मिट्टी निकली है, इतने कमरे अब टेक्सचर तो आराम से बन ही जाना है। मुझे हर बार ऐसे ही कहते हैं, जैसे खेतों से आएंगे ना तो वो मिट्टी लगी होगी कपड़ों पे, मतलब कहाँ ओह ये क्या है, ओहो ये क्या है गंदा सा, पता नहीं क्या था गंदा सा, मैंने तो हटा दिया। इतनी मिट्टी पता नहीं घरों के अंदर कैसे आती, क्योंकि हमारे को तो घर सारे बंद है, जैसे खुले खुले घर होते हैं ना दो के ओपन होते हैं, मतलब खुला वेड़ा होता है, आंगन होता है और फिर कमरे उसमें ही अंदर होते हैं, हमारा ऐसा सिस्टम है, हमारे पूरे बंद घर हैं फिर भी इतनी मिट्टी। मेरे कमरे में तो खास कर, चलो उसकी तो खिड़की खुली रहेगी, वहाँ से आग भी होगी। एक तो आंधी तूफान यहाँ इतना आता है भाई, इतना आंधी तूफान यहाँ आता है ना कहीं नहीं मैंने देखा, मतलब आंधी तूफान आता हर जगह का, पर जितना हम परेशान होते हैं उतना कोई नहीं होता होगा आंधी तूफानों से, घर में इतनी मिट्टी मिल जाती है। इसमें मैं रेड डॉट मिला के गई थी और इसकी ना दोनों हाथों से क्रशिंग बड़ी अच्छी होती है, कहते हैं पाम क्रशिंग। वो प्रीचिता ने भी बड़ा साथ दिया है भाई, थैंक यू प्रीचिता, उन्होंने शॉर्ट्स पे भी इतने अच्छे अच्छे कमेंट किए, साशी राणा, साशी सिंह और संजना राणा, मेरे को तो 2-3 कमेंट ही याद हैं जिनके मैं नाम ले रही हूँ, और बाकी जो नए आए हैं कुछ प्यारे प्यारे सब्सक्राइबर नए आए हैं उनका भी बहुत बहुत थैंक यू, और कुछ प्यारे प्यारे हेटर्स नए आए हैं उनका भी थैंक यू। हाय हाय और बताना मुझे कि क्या कैसे चल रहे हैं, ठीक है। आपको इस टाइम कौन सी ASMR आर्टिस्ट पसंद आ रही, क्योंकि
मैंने अब सब ASMR आर्टिस्ट को एक्सप्लोर किया, मतलब जिनको मैं जानती थी, नहीं जानती थी, मतलब बहुत जो नई आई हैं उनको भी एक्सप्लोर किया मैंने। तो अपने भाइयों के भाई बहनों के साथ ना गेम भी खेला था। देखो कुछ कुछ हैं वहाँ पे जो यहाँ पे आए हुए हैं मेरे वर्क प्लेस पे, ठीक है, और कुछ कुछ है जो मतलब वीडियोस देखते हैं। सो मैं क्या कर रही थी, उनसे वीडियो चला रही थी, ठीक है, अपनी क्रम्बलिंग वाली वीडियो चला रही। पहले तो क्रम्बलिंग ब्लॉग के साथ, क्रम्बलिंग वीडियो के साथ हमने खेला गेम। मैं अपनी मतलब किसी की भी चला देती थी, अपनी चला देती थी। हाँ जी, अभी एक दादी जो हमारी नेबर वाली है ना, मतलब उन्होंने इतने दिन से देखा नहीं तो उनको अजीब लग रहा होगा, सो वो अभी आई थी, कहती धूप हो रही है नीचे चली जा। मैं कहाँ जा रही हूँ यार, मेरे व्लॉग्स में क्या क्या होता रहता है ना यार। ये डॉट्स वाला, ओह माय गॉड, ये क्या हुआ? ओहो, डॉट्स सारी खिंड गया वो वाली। यहाँ पे भी डॉट्स है, ये नई डॉट है, वो नई डॉट, ये वो तो पुरानी है, ये डॉट नहीं थी, ये डॉट नहीं थी, वो डॉट नहीं थी। मैं तो डब्बा टूट गया होगा ये वाला पक्का, इतनी धूप पड़ रही है, टूटेगा ही। चलो मैं नीचे चलती हूँ अभी, नेक्स्ट पार्ट के लिए ज़रूर वेट करना, इसको नीचे जाते ही अपलोड पे लगा देती हूँ। ओके, बाय बाय।